गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और उषा वर्षा काम करके गई और अभी मित्तल भी आएगी फुलके बनाने। 12:15 हो रहे हैं अभी, अभी आ जाएगी मित्तल। आ गई, बड़ी उम्र है इसकी भी, बाद में मिलते हैं। लाई थी फुलके बना के गई, उषा वर्षा भी काम करके गए, अभी फ्री। अभी मैं सब्जी बना दूंगी, देखो अभी क्या बनाने पता नहीं है। देखिए फुलके बना के गई है, पुलाव बना दूंगी तो हल्के से, पुलाव और दही, दही पुलाव। फुलके तो वैसे इनको काम आते हैं, हम भी खा लेंगे, ऐसा नहीं है, हम भी खा लेंगे और ये भी खा लेते हैं। इनको तो फुलके रात को ही देता है शेखर, वैसे अभी दही देगा इनको। एलेक्स को दही देता है और पिल्लू को पेडिग्री देता है दोपहर को, और टेडी जैनी को भी पेडिग्री, नहीं उनको भी दही देता है ना शेखर? हाँ उनको भी दही। फुलके भी हमें चाहिए होते हैं, फुलके तो चावलों को चाहिए होते हैं फुलके हमें। मयंक तो खा रहे अचार के साथ फुलका खा रहे गर्मा गर्म, वो वहाँ पर लेटी हुई है खुशी। और गर्मी इतनी है हद से ज़्यादा, अंदर एसी चालू नहीं किया पर अंदर बैठे हैं सब, क्योंकि रूम थोड़ा ठंडा होता है, एसी चलती रहती है ना तो रूम ठंडा होता है थोड़ा, इसलिए सब अंदर ही बैठे हैं। टफ़ी को शांति नहीं है, टफ़ी बाहर बैठा है, सो रहा है टफ़ी। चलिए मैं चावल बना भिगो दूँ, बाद में मिलते हैं। पुलाव चढ़ा दिए हैं, अभी 2 सीटी आएगी तो बंद कर दूंगी मैं। ये देखिए बस 2 सीटी है तो बंद कर दूँ, फिर खाना तैयार। अभी 1:30 बज रहा है और हो जाए तो मैं भी फ्री हो जाऊँ, फिर शेखर भी आएगा, बोला 2:30 बज जाएंगे आते आते, तब तक हम खा लेंगे खाना और क्या। तो चलिए बाद में मिलते हैं। देखिए फाइनली अभी सोफे हमारे गए, अभी जस्ट वो भैया आए थे लेकर गए सोफे, और पीछे से हालत देखिए मिट्टी, ये उखाड़ दिया इन्होंने उठाते वक्त, ये यहाँ पे उखाड़ दिया, एक ये यहाँ पे देखिए कचरा, देखिए पीछे कह रहे ऐसी पट्टियाँ रखी हुई है हमारे पास, वो तो लगा देंगे, ऐसा नहीं है पूरा खाली लेकर गए सोफे आज। अभी सोफे को बनने में उन्होंने बोला 12-15 दिन लगेंगे, अभी खाली हो गया पीछे देखिए पूरा। अभी मुझे झाड़ू लगाना है यहाँ पे, फिर पोछा कर देना है तो साफ हो जाए। चलिए झाड़ू लगा दूँ मैं, बाद में मिलती हूँ, बाय। हाय। और अभी अगरबत्ती कर ली मैंने, दोपहर को सो गई थी थोड़ी देर,
आधा एक घंटा सो गई थी, और मित्तल आई थी फुलके बना के गई, 7 बजे आई थी फुलके बना के गई मित्तल, और सोफे नहीं एकदम खाली खाली लग गए हैं यहाँ पे देखिए। फिलहाल तो ये चेयर रखी हुई है अभी, देखिए ये चेयर रखी हुई है। उसने बोला 10-12 दिन लगेंगे, क्योंकि पूरा सत्यानाश कर दिया सोफों का इन्होंने, पिल्लुओं ने, तो अभी 10-12 दिन ऐसे ही निकालेंगे। अच्छा है, नीचे बैठ के खाना खाएंगे और क्या। मैं तो ऐसे सोफे पे बैठ के खाती हूँ हाथ में, डाइनिंग टेबल की मुझे आदत नहीं है, हाथ में ही अच्छा लगता है मुझे। ऐसे बैठने के लिए थोड़ा वो होती है, दिक्कत होती है, कहाँ बैठी, तो ये दो चेयर रख दी है यहाँ, फिर सोच रहे हैं जो अंदर रूमी सीटी रखी हुई है वो यहाँ पे रख देंगे, देखते हैं। अभी कल वर्षा आएगी तो बाहर निकली ऐसे ही सीटी तो ठीक है, नहीं तो सामान निकालना पड़ेगा, सीटी में इतना सारा सामान है, वो सब सामान निकाल के फिर सीटी निकालनी पड़ेगी बाहर। हम देखते हैं अभी कैसे करना है, ऐसे तो अच्छा है, खाली लग रहा है ना। गर्मी और बहुत हो रही है, सही है, बहुत गर्मी है। टेडी के सोफे कहाँ गए, दिखाती हूँ। ये पिल्लू, ये देखो शैतान, ये देखो शैतान, हाँ टेडी टेडी, ये देखो क्या हुआ टेडी, टेडी क्या हुआ, बैठे बैठे भी परेशान हो गए, बाहर भी कहीं नहीं जा सकते हैं। 4 बजे वैसे मार्केट बंद हो जाता है, शिखर आता 4 बजे, काम वाम निपटा के फिर बाद में आता है 4 बजे, तो उसके बाद तो कहाँ जाए, मार्केट बंद हो जाता है, और 7 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते हैं बाहर। मैंने बताया ना पुलिस उठा के लेके जा रही है, तो 7 बजे के बाद हम बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, तो बैठे बैठे भी घर में बोर हो गए हैं, कंटाड़ा आ गए। और बच्चों को तो, और बच्चों को तो मना किया है स्ट्रिक्टली, घर में बैठे बैठे क्या करें, वही डेली लाइफ, वही डेली रूटीन, खाना बनाया, आज ये बनाया, आज वो बनाया, पिल्लू ये वो सब वही है। मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर बंद हो गए हैं, क्या दिन आ गए, मंदिर भी नहीं जा सकते, मंदिर भी बंद। खैर घर में तो पूजा वूजा करते हैं, ऐसा नहीं है, घर में तो हैं भगवान, पर बाहर मंदिर जाते हैं वो सब बंद है। बजरंग बली के मंदिर जाते थे, शनि मंदिर सब बंद, कहीं नहीं जा सकते, घर में बैठे रहो, पर टाइम ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। सुबह उठो, चाय वाय पियो, 11:15 बजे मित्तल उषा आ जाती है, उसके बाद फिर वर्षा आती है, वर्षा जैसे ही चलने मतलब बाहर आंगन साफ करते हैं तब तक मित्तल आ जाती है, मित्तल फुलके बनाती है, उसके बाद मैं सब्जी बनाती हूँ, फिर खाना वाना खाते हैं, पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है, और उसमें से गर्मी परेशान करती है, गर्मी से बहुत परेशान। थोड़ी हल्की बारिश भी हो ना तो भी थोड़ी राहत मिली, हाँ अरे यहाँ तो बारिश में, कच्छ में तो बारिश होती नहीं है वैसे ही, कच्छ में तो वैसे ही बारिश नहीं होती है। चलिए बाद में मिलते हैं, फिर लोग मस्ती करें। देखी इनकी मस्ती, इनकी नहीं टेटी की मस्ती देखी, बहुत शैतान हो गया बहुत। और हमारा खाना वाना हो गया, अभी नहीं थोड़ी देर हो गई, खाना वाना हो गया, 15-20 मिनट हो गए, खाना वाना खा लिया, और अभी मैं बैठी थी एसी चालू करके इधर रूम में, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है, बहुत बैठ नहीं पा रहे हैं।
बच्चे टीवी देख रहे हैं, सीएडी देख रहे हैं, और शेखर अभी एलेक्स को खाना खिला रहा है और पिल्लुओं को खाना खिला रहा है। एलेक्स को खुल के ऐसे ही खा लेता है, पर पिल्लुओं को पेडिग्री देनी पड़ती है, तो पेडिग्री खिला रहा है। फिर आखिरी में ये दो बंदर बचेंगे, टेडी और जेनी, ये आखिरी में ही खाते हैं, सब खाना खा लें और फिर बाद ये खाते हैं। शैतान देखे देखे मस्ती देखे, ये दिखाती हूँ। टेडी जेनी अभी मस्ती कर रहा था, अभी स्टॉप हो गया। टेडू चलो कार में चलें, कार की चाबी कहें, कार की चाबी। टेडी क्या स्टाइल है सोने की, वाह क्या दोनों की स्टाइल है। कैमरा ऑन किया ना, चुप करके बैठ गया, नहीं तो मस्ती कर रहा था, पैर हिला रहा था। बहुत शैतान है बहुत। और कल अभी सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ मीठा, क्योंकि बच्चे भी बोर हो रहे हैं। खुशी वो कह रही लड्डू बनाओ, बेसन के लड्डू, बेसन के नहीं सॉरी सूजी के लड्डू नहीं बनाए थे मैंने बीच में, वो वीडियो भी है मेरा, ब्लॉग भी है, वो सूजी के लड्डू बनाए थे, बहुत बहुत अच्छे बनी थी अम्मी। तो खुशी वो कह रही बनाओ बनाओ, देखूँ मैं सोच रही हूँ बेसन के लड्डू बनाऊँ, देखते हैं अभी बच्चों की जो इच्छा हो। पर वो लड्डू भी अच्छे थे, हेल्दी हैं, बच्चों के लिए अच्छा है, खाएं तो अच्छा है। पूरे घी में बनते हैं तो, और सूजी भी अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए खाने में, तो देखो पूछती हूँ बच्चों से जो खाना है वो देखते हैं। क्योंकि एक तो गर्मी में ना किचन में जाने की इच्छा ही नहीं होती, इतनी गर्मी इतनी गर्मी, खाना ही बन जाए वही ठीक है, गर्मी में पक जाते हैं वो पूरा, इसीलिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।